मैं डॉक्टर पंकज तिवारी हमारे यूट्यूब चैनल एन आर टी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म पर मैं आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म उसके इन्वर्स के बारे में बहुत सारे लेक्चर में यहाँ रिकॉर्ड कर चुका हूँ स्टूडेंट अगर प्रीवियस लेक्चर आपने वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टेप पर एक प्ले लिस्ट हो रही होगी वहाँ क्लिक कर, कर आप बाकी के लेक्चर वॉच कर सकते हैं स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया है कि देयर आर फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लीनियर प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ स्किल प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज मॉडुलेशन प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट इन पांचों प्रॉपर्टीज को जो है हमें यहां डिस्कस करना है तो स्टूडेंट बारी बारी से हम जो है यहां प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन में इनके प्रूफ जो है वो आपसे पूछे जाते हैं तो सारी प्रॉपर्टी का प्रूफ हम जो है आ, बारी बारी से यहां आपको करके दिखाएंगे तो स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी आपकी है लीनियर प्रॉपर्टी तो आइए चलिए देखते हैं कि लीनियर प्रॉपर्टी होती क्या है और उसको किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे तो स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ लीनियर प्रॉपर्टी और ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा और भी मैथमेटिक्स में कई जगह लीनियर प्रॉपर्टी जो है यूज होती है बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है तो सबसे पहले स्टूडेंट इस इसका हम जो स्टेटमेंट देखेंगे फिर हम इसको जो है प्रूव करेंगे तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर स्टेटमेंट दिया हुआ है इफ एफ एस एंड जी एस आर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस और जी एस क्या है कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन के जो है फोरिया ट्रांसफॉर्म है रिस्पेक्टिवली देन प्लस सी टू जी एक्स इज इक्वल टू सी वन एफ ऑफ एस प्लस सी टू जी ऑफ एस ये हमें स्टूडेंट प्रूव करना है ये हमें जो है आपको प्रूव करके दिखाना है वो कह रहे हैं कि एफ एस और जी एस क्या है फुरिय ट्रांसफॉर्म है तो वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस वेयर सी वन एंड सी टू आर कॉन्स्टेंट तो देखिए स्टूडेंट इसको किस तरीके से हम प्रूव करेंगे अब यहाँ बात जो है फुरिया ट्रांसफॉर्म की हुई है तो हम यहाँ डेफिनेशन यूज करेंगे फुरिय ट्रांसफॉर्म की सिंस वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फुरियर ट्रांसफॉर्म और फुरिया ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है एफ एस इज इक्वल टू यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट में आपको एफ दिया है और जी दिया है तो एफ भी जो है आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म है और जी जो है एक, एक एनोदर फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इन फाइनाइट एफ ऑफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स सेम स्टूडेंट जी एस इज इक्वल टू अपन लिखेंगे तो लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स तो यहाँ केवल और केवल क्या हुआ था फंक्शन चेंज हुआ था तो यहाँ हमने अंदर फंक्शन चेंज कर दिया यहाँ एफ एस था तो हमने एफ एक्स लिख दिया अब स्टूडेंट इसको प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमें प्रूव करना है तो यहाँ नाउ टेकिंग एल एच एस तो एल एच एस आपका दिया हुआ है एफ ऑफ सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स तो इसको हम प्रूव करके चलेंगे तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि ये फंक्शन है फंक्शन है और इसका हमें क्या निकालना है फुरिय ट्रांसफॉर्म निकालना है तो फुरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इस फंक्शन को मल्टीपल करेंगे ई की पावर आई एस एक्स के साथ और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद द लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट यही तो हमारी डेफिनेशन कहती है फुरियर ट्रांसफॉर्म की तो ये जो दो डेफिनेशन ऊपर दी है इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सी वन एफ ओफ एक्स प्लस सी टू जी ओफ एक्स इंटू ई e की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स अब स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि यहां प्लस लगा हुआ है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे तो अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं सीवन इज अ अंस्टेंट जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है तो हमने सीवन यहाँ बाहर ले लिया सी टू यहां बाहर ले लिया और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट यहां होगी सेम लिमिट आपकी यहां होगी यहां एफ एक्स आई एस एक्स के साथ आएगा इंटू डी एक्स और यहां जी एक्स आई एस एक्स के साथ आएगा इंटू डी एक्स तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें अगर इसको और इसको आप कंपेयर करें इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से तो ये डेफिनेशन है आपकी किसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म की तो इसको स्टूडेंट इस आप एफ एस लिख सकते हैं देखो ये एफ एस ही लिखा हुआ है और इसको आप जीएस लिख सकते हैं ऊपर आपको दिया गया है आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसको इक्वेशन सेकंड मान लें और यहां लिख दें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सी वन एफ एस प्लस सी टू जी एस तो यही आपको राइट साइड क्या करना था स्टूडेंट प्रूव करना था तो हेयर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूफ द प्रॉपर्टी हैंस प्रूफ द लीनियर प्रॉपर्टी तो आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रूफ समझ आया होगा और आने वाले वीडियो में जो है मैं आपको एक सेकेंड प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसका नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है उसका स्टेटमेंट क्या होता है उसको किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और बने रहें देखते रहें एन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स थैंक यू गाइज़